हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर छविकर। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर पे। आज हम समझेंगे ओजोन लेयर किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या रीज़न होते हैं कि ओजोन लेयर में, आपने सुना होगा कि डिप्लीशन हो रहा है या ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और हम अपनी ओजोन लेयर को कैसे बचा सकते हैं। तो ओजोन लेयर से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पहलुओं पे आज हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ओजोन लेयर होती क्या है। देखिए, हमारे जो धरती से एटमॉस्फेयर में 12 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊपर की ऊंचाई पर एक लेयर होती है। तो 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। एक्चुअली ये जो लेयर होती है ये हमारी रक्षा कवच की तरह काम करती है, या आप कह सकते हैं ये धरती का अम्ब्रेला होती है। जिस तरीके से अम्ब्रेला को अगर आप बारिश में ले जाते हैं तो बारिश की बूंदें हमारे पर नहीं गिरती, हम सूखे रहते हैं, उसी तरह से ओजोन लेयर भी क्या करती है, ये अम्ब्रेला की तरह वर्क करती है। और जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेज होती है ये उनको वहीं पर रोक देती है, तो जिससे कि वो अर्थ में जो है एंट्री नहीं कर पाती। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रे अर्थ में एंटर कर जाएंगी तो इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा, क्योंकि अर्थ पे जो गर्मी है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी अर्थ एक तरीके से फर्नेस में बदल जाएगी, फर्नेस में से एक भट्टी में बदल जाएगी, जिसके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होंगे। तो इसीलिए ओजोन लेयर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सूरज की अल्ट्रा वायलेट रे को अर्थ पर आने से रोकता है। जो ओजोन होता है उसका केमिकल नेम होता है O3। क्या नेम होता है इसका? O3। इसमें 3 एटम आइसोटोप होते हैं। कौन होते हैं? क्योंकि O3 वर्ड है तो इसका मतलब इसमें 3 एटम होते हैं। इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन जो एटॉमिक वेट है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं 3 एटम आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, और ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। ये एक तरीके की बहुत हल्के से नीले रंग की जो है गैस होती है जिसकी बड़ी तीखी सी गंध होती है। ये एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो है 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब जहरीली गैसें इसमें मिलती हैं तो उनके कंसंट्रेशन की वजह से इसमें एक विस्फोट होता है, और विस्फोट होने से ये जो O3 होता है ये किस में चेंज हो जाता है? या तो ऑक्सीजन O2 में चेंज हो जाएगा या O में चेंज हो जाता है। तो जब ये O2 और O में चेंज होता है तो इस वक्त O3 के विस्फोटन से जो O2 बनती है, जो ऑक्सीजन बनती है, वो ओजोन लेयर में जो है छलनी का काम करती है। इट मीन्स ये ओजोन लेयर में छोटे छोटे छेद बना देती है और उन्हीं छेदों में से फिर जो सूरज की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो आने लगती है, जिसे हम बोलते हैं कि ओजोन लेयर जो है हमारी डिप्लीट हो रही है या ओजोन परत का जो है क्षरण हो रहा है। तो इट मींस आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक लिखा है O2 ऑक्सीजन गैस किससे बनी है? O+O से। और जब ऑक्सीजन गैस में एक और O मिल जाता है तो वो O3 बन जाती है, जिस O3 को हम ओजोन कहते हैं। लेकिन जब ये ओजोन जहरीली गैसों के साथ मिलके फूटती है तो ये दोबारा से O2 या फिर O में बदल जाती है, जिससे कि ओजोन लेयर में छेद हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओजोन लेयर कैसे होती है, ओजोन किसे कहते हैं और ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है, मीन्स ये ओजोन लेयर में छेद कैसे बनाती है, और उस छेद से जब अल्ट्रा वायलेट रेज आती है तो हमारी धरती एक भट्टी या फर्नेस की तरह बन जाती है, जो कि बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। तो ये था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन किसे कहते हैं।
अब है इसकी कॉजेस क्या होते हैं, क्यों हमारा ओजोन जो होती है वो विस्फोट करके O2 में बदल जाती है जो कि ओजोन लेयर में छेद बना देती है। इसके बहुत सारे कॉज हैं। तो जो भी हमारे सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड होते हैं और जो क्लोरीन गैस होती हैं, ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटिव वैल्यू में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ही O3 में जो है विस्फोट होता है और फिर उसमें डिप्लीशन होने लगता है। तो सबसे पहला इसका रीज़न है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड काफ़ी बढ़ जाता है। सेकेंड है कि जो हमारे रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती हैं न्यूक्लियर स्टेशन से, देखिए आज हर कंट्री में जो है परमाणु केंद्र होते हैं, ठीक है, तो लेकिन उन परमाणु केंद्रों से हमें फ़ायदा भी होता है, लेकिन उसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलता रहता है और ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन में बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस होती हैं और ये उड़कर ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, जिससे कि हमारी ओजोन लेयर को जो है हार्मफुल इफेक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम कहते हैं ना कि जैसे कि आजकल युद्ध की चल रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है और हर देश में ही न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा क्लोरीन गैस निकलती है और ये एटमॉस्फेयर में पहुँचेगी, ये इतनी ज़्यादा क्लोरीन गैस निकलेगी कि उससे जो है पूरी ओजोन लेयर में जो है छेद हो जाएंगे और सूरज की जो अल्ट्रावायलेट वे है वो धरती पे पहुँच के धरती की गर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो परमाणु बम चाहे किसी भी कंट्री ने छोड़ा हो, लेकिन ये ओजोन लेयर तो पूरे वर्ल्ड पे होती है, तो उससे पूरे वर्ल्ड को ही जो है नुकसान होगा। इसीलिए कहते हैं कि न्यूक्लियर बम किसी को भी यूज़ नहीं करने चाहिए, कोई भी कंट्री यूज़ करे, लेकिन ओजोन लेयर तो हर एक के रक्षा कवच का काम करती है, तो उससे हर कंट्री के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा हानि पहुँचेगी। नेक्स्ट है कि एसी और रेफ्रिजरेटर से जो है सीएफसी गैस निकलती है। सीएफसी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये जो है एसी और रेफ्रिजरेटर में कूलेंट का वर्क करती है, उन्हें ठंडा करती है, लेकिन इस सीएफसी से बहुत ज़्यादा जो है ओजोन लेयर में जो है डिप्लीशन होता है। उसी तरह से लास्ट पॉइंट है कि जो हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे भी जो है बहुत सारी सीएफसी गैस निकलती है। सीएफसी से फिर क्लोरीन निकल के जो है हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो कि ओजोन में विस्फोट करके उसे ऑक्सीजन में बदल देती है और यह ऑक्सीजन फिर हमारी ओजोन लेयर में छेद कर देती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन, सीएफसी, ये सारी गैसें जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। अब इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि इंसान जो होती है हमारी एक फितरत होती है कि हम पे पता है कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं जिससे ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही है, लेकिन जब तक हमें ये ना पता चले कि इसका हमारे पे भी कोई फ़र्क पड़ता है, हम बिल्कुल भी इन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट इसके या इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए इंसानों पर इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन। देखिए ओजोन लेयर से जब अल्ट्रा वायलेट वे आती है तो इससे मनुष्य को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। उससे मोतियाबिंद हो सकता है, हमारी आईज इफ़ेक्ट होती है, हम अंधे भी हो सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी डाउन हो जाता है। आजकल आप देखिए कोरोना कितना चला भी है, हर जगह यही है कि आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर नेचुरली अल्ट्रा वायलेट वे के आने से ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन जा रहा है तो फिर हम उसे कैसे हाई करेंगे? तो कोई भी बैक्टीरिया हमारे पे हमला करेगा तो उसके हमारे को बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे। नेक्स्ट है इसका बैड इम्पैक्ट होता है एग्रीकल्चर और प्लांट पे। देखिए जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो आपकी प्लांट्स के लिए एग्रीकल्चर के लिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो धूप और पानी से वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, वो प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि सूरज की गर्मी में अब अल्ट्रा वायलेट रेज भी मिली होगी तो उससे वनस्पतियाँ ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगी, हमारी एग्रीकल्चर जो है बहुत उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लोगों को फिर जो है खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर। देखिए समुद्र में जो जीव रहते हैं जैसे मछली हो गई और भी बहुत टाइप के समुद्री जीव होते हैं, तो जब अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं
तो समुद्र में वो जो उनकी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिन्हें वो खा के जिंदा रहते हैं, वो सब मर जाते हैं, और जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समुद्री जीवों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि इससे रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो उससे रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और रेडिएशन से आपको पता ही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और धरती पे गर्मी बढ़ने से फिर हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हम लोग जो है बिल्कुल ही विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है रेनफॉल फेलियर। देखिए इससे क्या होता है कि हमारी रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, क्योंकि जब ओजोन लेयर में छेद होते हैं तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होती है, जो वाष्प होती है जिससे पानी बनता है, तो वो वाष्प भी सूख जाती है। जब वो सूख जाएगी तो बरसात भी नहीं होगी, और आपको पता है कि अगर बरसात नहीं होगी तो वाटर की कमी हो जाएगी, ना तो कोई एग्रीकल्चर होगी और ना ही हमें कोई ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, तो वैसे ही पॉपुलेशन बिल्कुल जो है विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। तो इससे आप देखिए कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन होने से कितने साइड इफेक्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कैसे रोक सकते हैं। देखिए सबसे पहला है तो ये है कि जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं, क्योंकि उन एयरक्राफ्ट को जब हम उड़ाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उसमें से CFC गैसेस निकलती हैं, और ये CFC गैसेस जो हैं एक बहुत बड़ा रीज़न होती है ऑक्सीजन जो आपकी ओजोन लेयर होती है उसमें छेद करने के लिए। तो जितने भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं उन पे हमें बैन लगाना चाहिए। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पूर्ण तरह से फॉलो किया जाए। देखिए ओजोन लेयर को बचाने के लिए ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे जो है काम किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। उस प्रोटोकॉल में ये डिसीशन लिया गया कि हमें जो है सभी कंट्रीज को इस तरह से प्रयत्न करना है कि CFC जो निकलती है, जो CFC की गैसेस होती है, उसमें 50% जो है कट किया जाए। ये जो 50% CFC निकलती है ये ज़्यादातर जो है डेवलप कंट्री के थ्रू जो है निकली जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह से अपने AC, रेफ्रिजरेटर, कूलेंट का में जो ये CFC यूज़ होती है उसका कोई सब्सटीट्यूट ढूंढना चाहिए, हमें जो है सुपरसैनिक एयरक्राफ्ट में कमी लानी चाहिए, हमें इस तरह से वर्क करना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री से कम 50% कम हो जाए। तो इस तरह से हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पूर्ण तरह से पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। देखिए लोगों को आजकल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पता ही नहीं है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है। अगर मैं आपसे भी पूछूंगी, जो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपने सिर्फ ये नाम तो सुना होगा लेकिन आपको नहीं पता होगा एक्चुअली ये डिप्लीट कैसे होता है, अल्ट्रावायलेट रेज कैसे हमारी अर्थ में आ जाएगी, हमारी अर्थ का उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमारी अर्थ एक भट्टी के समान हो जाएगी, और हमारे को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाएंगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाएगा। तो हमें ये जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि सभी लोग अपने अपने लेवल पे प्रयत्न करें कि हम पॉइजनस गैसों को निकालना कम करें। लास्ट है इसका कि AC रेफ्रिजरेटर में कूलेंट की तरह CFC गैस को यूज़ किया जाता है, तो हमें इसका कोई सब्सटीट्यूट गैस इसका इस CFC गैस का कोई सब्सटीट्यूट ढूंढना चाहिए, ताकि AC रेफ्रिजरेटर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो AC रेफ्रिजरेटर की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है, तो उसी तरह से CFC का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो हमें उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए जिससे कि CFC ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ना पहुँचे और वो ज़्यादा ओजोन लेयर में छेद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ना बने। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में देखा कि बहुत डिटेल में मैंने बताया कि ओजोन लेयर क्या होती है, उसमें छेद होने के क्या कारण होते हैं, इसके रीज़न क्या होते हैं कि किस किस वजह से ओजोन लेयर में छेद होते हैं, और हमारी लाइफ को ये कैसे इम्पैक्ट डालते हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि इससे लोगों को पता चले ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये पढ़ना है, बल्कि हर इंडियन को ये पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या बैड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।